अमावस की रात, वह रात थी अमावस की रात, यह सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी पढ़ते वक्त पीछे मत देखना वरना खतरनाक हो सकता है, पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत, देखोगे तो रह जाओगे। मत देखो, मत देखो, मत देखो, चुपचाप कहानी पढ़ते रहो। देखो कहा था, देखना मत, देख लिया ना, कुछ भी तो नहीं था। मगर डरे ना, इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि पूछो मत। बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जाने कब ये डर खत्म होगा, शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म, खल्लाश हो जाते हैं। देखो ये सब बकवास है, बहुत हो गई यह डर की बातें, कहानी पढ़ो। चलो डर तो अभी लगेगा जब कहानी पढ़ोगे। एक समय की बात है, अकालगढ़। मैं कभी भी अकाल नहीं पढ़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था, और अकाल अब पढ़ता है, तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पढ़ने की भी एक कहानी है, सुनाओ क्या? नहीं, अरे नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आएगी। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत कामकाज कर लिया करता था। वह दिन दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और नीरज अपना कामकाज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत से उगाया। ये सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों वह रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे, रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों ने उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है, थोड़ा बहुत बचा था वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ा के बोला मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है। वो उसने घर जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला, तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ। पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही आजा, हम साथ ही रहेंगे। वह राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला रह गया। चुड़ैल कहीं की यह सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे, तो वे लकड़ी काट ही रहे थे। तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठ कर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए, उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना तो चुड़ैल सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा, तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा, और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गाँव में जरूर मिलगी। जाओ तुम सब गाँव वालों को जाकर बता दो आज से 3 दिन बाद अमावस्या है, एक आदमी की मौत जरूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा करके मुझे चुड़ैल कहते हो, गांव वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैंने तुम्हें बख्श दिया। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए, ये सब क्या था, स्त्री रोने का कारण क्या था। एक आदमी बोला, अरे वह कह रही तो थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया, इसका मतलब यह नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है और वह चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उनके सामने आया, तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए, भागो भागो चुड़ैल चुड़ैल, ऐसा कहते हुए वह गांव पहुंचे। सारे के सारे ऐसे हौंफ रहे थे, जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ चुड़ैल चुड़ैल, बके जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलो, अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या, तुम लोग इस तरह क्यों हौंफ रहे हो, बताते हैं।
बताते हैं पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है।